हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अतहर भाई की गुफ्तगू का तेवर ये बोल रहा था कारी साहब कि जज्बात से खाली ना समझना हमको, महरूम सवाली ना समझना हमको, हम वक्त पे तलवार भी बन सकते हैं, तुम फूल की डाली ना समझना हमको। हम वक्त पे तलवार भी बन सकते हैं, तुम फूल की डाली ना समझना हमको। हजरत नवासा और नाना एक बहुत मजबूत रिश्ते का इन्होंने ऐलान किया और इसकी वजाहत की। एक बहुत मशहूर चार मिसरे हैं, उलमाए किराम तो बहुत जगह सुने हैं कि बहुत मजबूत से मजबूत रिश्ता टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। बहुत मजबूत से मजबूत रिश्ता टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। नवासा हो कि नाना हो, चचा हो या भतीजा हो, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। नवासा हो कि नाना हो, भतीजा हो, चचा हो या भतीजा हो, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। बहुत मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। हजरत मतलूब मंजर साहब बैठे हुए हैं, शम्स तबरेज साहब आने वाले हैं, महमूद मंजर साहब आ गए हैं महमूद मंजर साहब, अच्छा माशाल्लाह। और हमारे गुलाम गौसुल वरा गयावी साहब भी बैठे हुए हैं और रिजवान बद्र साहब औरंगाबादी भी आने वाले हैं, है ना माशाल्लाह। ये सारे लोग हैं लेकिन सबकी फहरिस्त बन गई है, एक एक करके इंशाल्लाह सबका नंबर आने वाला है। हम जरा चाहेंगे कि उलमाए किराम जरा सिमट जाते तो बड़ा अच्छा होता। हाजी साहब इधर आ जाते आप, है ना। हाँ जी जी, आप लोग भी करीब आ जाते तो बड़ा अच्छा रहता है। आ जाइए, सुभान अल्लाह। हाँ जी जी जी, जरा सा आप लोग अगर सिमट कर रहेंगे तो माशाल्लाह एक नई जिंदगी बेदार होगी, एक अच्छा पैगाम जाएगा। अब मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब का नाम हजरत अथर साहब भी ले रहे थे कि उनकी बातों पे हमें अमल करना है, उनके बताए रास्ते पे चलना है। अब मुफ्ती मुजाहिद साहब का नाम, एक बात आपको बता दें, मुफ्ती मुजाहिद उस शख्सियत का नाम है कि अजहर हिंद अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में एक नंबर पे दस्तार हुई है उनकी। कोई है माइक हलाल है आज के जमाने में, इधर कोई बता दे। और सुनिए, मुफ्ती मुजाहिद उस शख्सियत का नाम है कि बज्म नाथ जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, 57 मुल्क के लोग उस बज्म में हैं, लेकिन दर्जन से ज्यादा मर्तबा हुजूर मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब एक नंबर पे आए हैं। मुफ्ती मुजाहिद उस शख्सियत का नाम है कि बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम बरेली शरीफ में चंद मिनट बोलने के लिए नंबर लगाते हैं और मुफ्ती मुजाहिद के पास एक महीना पहले दावत आता है कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है। मुफ्ती मुजाहिद उस शख्सियत का नाम है, इलाहाबाद शहर के अंदर शरीयत की रोशनी में जो ऐलान कर दें वो पूरा इलाहाबाद मानता है, काजी शहर है। मुफ्ती मुजाहिद उस शख्सियत का नाम है कि तकरीर में जो बातें कहते हैं वो सनद की हैसियत रखती है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जब से मौजूदा हुकूमत आई है हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था राष्ट्रगान को लेकर, जन गण मन अधिनायक, पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था, लेकिन मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब ने राष्ट्रगान के ताल्लुक से ऐसी ड्राफ्टिंग की है, इस कदर तहकीकी तहरीर पेश किया है उन्होंने कि आज पूरे हिंदुस्तान का कोई भी मुफ्ती उसका रद्द नहीं किया है और न उसके खिलाफ बोला है, बल्कि बड़े बड़े उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम को कहा, यहाँ तक के अल जामियतुल अशरफिया की रूह और शान कहे जाने वाले अल्लामा अहमद मिसबाही साहब क़िबला ने तायीद करके दिखा दी। उस शख्सियत का नाम मुफ्ती मुजाहिद हुसैन है। आप मुफ्ती मुजाहिद की बात करते हैं, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन जिस रास्ते से जिस गली से गुजर जाए तो समझ जाइए कि उस गली और उस रास्ते में, उस कस्बे में, उस शहर में इल्म की रोशनी फैल जाती है। जहां मुफ्ती मुजाहिद हुसैन की तकरीर हो जाती है
وہاں سے وہابیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سنیت محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، پورا مدمہ جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ کی ذات مقدس وہ ذات ہے جن کا نام لینا بھی ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب آئیے حضرات، وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت کچھ سناتا، اور انشاءاللہ میں آگے کچھ سنانے کی کوشش کروں گا اگر آپ حضرات اسی طرح سے رہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، حضور سراج ملت کے چاہنے والے کتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا ماشاءاللہ، اہل ممبر حضرات بھی سبحان اللہ، آپ لوگ نہیں، آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیے، آپ لوگ کھڑے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ الیکشن میں کھڑے ہیں۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، ابھی تو چھتیس گڑھ میں چناؤ ہو رہا ہے، کنہر پار ہو جائیے، چناؤ پرچار کیجیے، ہے نا، لیکن یہاں بھی ماشاءاللہ آئے ہیں تو آپ عاشق رسول ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں اتھر صاحب، سنیے، حضور سراج ملت کا دیوانہ کسی بھی حال میں خاموش نہیں رہ سکتا، چاہے اس کو دھمکی ملے، توپ چلے، گولی چلے، یہ چلے، وہ چلے، گیدڑ بھب کی، سب کچھ نہیں، سراج ملت کا دیوانہ جب مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا کے دوڑتا ہے تو وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا کہ جہاں غلام نبی تشنہ کام بولتے ہیں وہاں پہ ساتھی تو ساتھی ہیں جہاں بولتے ہیں۔ ارے زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سراج الہدا کے غلام بولتے ہیں۔ زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے، زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سراج الہدا کے غلام بولتے ہیں، وہاں سراج الہدا کے غلام بولتے ہیں۔ حضرات آئیے چند شیر کے لیے محترم جناب قاری یوسف رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں، بس اس تیور کے ساتھ میں انہیں مائک پہ بلا رہا ہوں کہ سینے میں جس کے، دیکھیے ایک شیر دیکھیے مطلب آپ کو یاد آ جائے گا، سینے میں جس کے لذت عشق رضا نہیں، یوسف بھائی تیور کے ساتھ آ رہے ہیں، سینے میں جس کے لذت عشق رضا نہیں وہ شخص میری نظروں میں سنی کھڑا نہیں، سینے میں جس کے لذت عشق رضا نہیں وہ شخص میری نظروں میں سنی کھڑا نہیں، جس دم میں تجھ کو دیکھوں گا ماروں گا نجدیا، ایسا نہیں کیا تو میں یوسف رضا نہیں۔